अरे ढोल औरी बाजा बजावा है बिहार के लोगवा, ढोल औरी बाजा बजावा है बिहार के लोगवा, मिली पूरा पूरा अधिकार ए लोगवा, केहू नहीं रही बेरोजगार ए लोगवा। तो हमारे साथ अभय तूफानी जी हैं, कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है? कैसे देखते हैं क्या लगता है बता दूं आपको कि बिहार में सुनिए नया वर्जन अपडेट हो गया। नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी का माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भेंट हो गया और तब जाके बिहार का मामला नियमन से सेट हो गया। आपको कहा जा रहा है कि आप मोदी जी के जबरा फैन हैं। देखिए, जबरा फैन हम किसी का नहीं है, जो अच्छा काम करता है उसका जबरा फैन है हम। पिछले दिन कुछ दिनों से मनीष कश्यप भी कर रहा है अच्छा काम, उनका ही फैन है, और जो अच्छा काम करेगा उसका फैन है, आज ही बोल रहे हैं हम। जो लोग अच्छा काम करे उसका फैन है हम, न कि किसी एक पार्टी का फैन है हम, ऐसा कुछ नहीं है। गाना के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर, थोड़ा गाना गा के सुनाइए। भवन की तरफ, हाँ राजभवन की तरफ है, ठीक ठीक सुनिए। गाना लिखे हैं कहा सुनिए मेरा, कि बिहार में राम राजा गया और मोदी जी का सरकार आ गया, तो बिहार के लोगों से हम कहना चाहेंगे, हम सुनिएगा। अरे पूरा बिहार के सहजावो है बिहार के लोगवा, पूरा बिहार के सहजावो है बिहार के लोगवा, आ गइले मोदी सारा कहर ए लोगवा, खुश बाटे कुल ही परिवार ए लोगवा। अरे अरे ढोल औरी बाजा बजावा है बिहार के लोगवा, ढोल औरी बाजा बजावा है बिहार के लोगवा, मिली पूरा पूरा अधिकार ए लोगवा, केहू नहीं रही बेरोजगार ए लोगवा। तो सरकार आ गया है, अब इसमें चिंता नहीं करना है कि बेरोजगार कोई नहीं रहेगा। एनडीए के साथ नीतीश जी दामन थाम लिए तो कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं इसका आवाज़ उठेगा, तो आवाज़ उठना भी चाहिए और ज़रूरी भी है, ठीक है। और मैं एक बात बोलूँगा, ये चंदन मंगावो हो, अरे टीका लगावो हो, अयले मोदी चाचा तो मंगल गीत गावो हो, आ फूल मंगावो हो थाली सजावो हो, अयले नीतीश चाचा तो बिहार के सजावो हो। केकरा साथे, माने भाजपा के साथे, भाजपा नीतीश जी का स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, इसलिए स्वागत कर रहे हैं। खुशी है, खुशी तो है ही, इसलिए खुशी है कि मान लीजिए कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। लेकिन बिहार के लोग कुछ दिन भटक गए थे और हमको लगता है कि देखिए भटक के नहीं। और आप गाना गा रहे थे देशवा किसान, कैसे तो हाँ ये देशवा किसान हवे मोदी आतंकियन के धोदी, ए मोदी बोलताने ढेरे विरोधी, उनका के बिना सरफे के धो दी, देशवा किसान हवे मोदी आतंकियन के धोदी, रोवताने बबुआ उठा ली ही गोदी, ए मोदी अरे रोवताने बबुआ उठा ली ही गोदी, चुप नहीं होखत एगो चॉकलेट दे दी, ए मोदी। क्या लगता है बिहार में राम राज आएगा इसलिए हाँ। कि एनडीए की सरकार हो गई है, नीतीश हाँ। कुमार एनडीए के साथ चले गए हैं, तो क्या निश्चित तौर पे बिहार में राम राज आ पाएगा? राम राज का नहीं, राम राज आएगा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में राम राज आ गया। महाराज कह रहे हैं कि आप बिहार में राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, बिहार में क्या होगा? बिहार में माता सीता जी का मंदिर जरूर बनेगा, और देखिए मंदिर बनेगा, सब कुछ बनेगा, रोजगार मिलेगा, किसान का मुद्दा उठेगा, चाहे जो भी मुद्दा होगा, शिक्षा का मुद्दा हो चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सब कुछ मुद्दा उठेगा, ढंग का काम होगा। लेकिन उम्मीद यही है कि वो सरकार आए और ढंग का काम करे, बस जो भी सरकार आए ढंग का काम करे। और फैन तो कहे, पहले ही बोले कि मोदी जी के पर्सनली मोदी जी के तो फैन भाई है ही हम। अब भारत में 6 गो नेता को मानते हैं बस, और किसी नेता को नहीं मानते हैं, 6 गो नेता को, लेकिन नाम आपके चैनल पर नहीं लेंगे हम, वो मेरे मन में है। तो देखिए ये है मोदी के जबरा फैन, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अब कह रहे हैं कि बिहार में भी माता सीता का मंदिर बनेगा क्योंकि एनडीए का।